नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की कुछ ऐसी वैरायटी के बारे में जो खाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। किसान भाइयों, आज जो वैरायटी हम आपको बताने वाले हैं उन वैरायटियों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है और ग्लूटीन कम होता है, जिस वजह से हमारी सेहत के लिए यह गेहूँ की वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही किसान भाइयों, इन गेहूँ के आटे से बनने वाली रोटी सफ़ेद, नर्म, मुलायम व स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए तो हमारी अच्छी होती ही है। किसान भाइयों, इन वैरायटी को आप अपने खेत में खाने के लिए थोड़े एरिया में तो लगा ही सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, बाज़ार में इन वैरायटियों की काफ़ी मांग रहती है, इसीलिए आप चाहें तो इनको बड़े स्तर पर भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लेट ना करते हुए किसान भाइयों शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, सबसे पहले वैरायटी हमारी आती है C306। यह किसान भाइयों पुरानी वैरायटी है, हमारे किसान भाई काफ़ी समय से इसको लगाते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी उपज और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता ले रहे हैं। इसकी बुआई किसान भाइयों हम अपने खेत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी को पकने के लिए कम से कम खाद की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहें तो केवल गोबर की खाद से भी इसकी खेती कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसमें केवल एक खाद बुआई के समय डालकर भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पानी की भी आवश्यकता किसान भाइयों इस वैरायटी में काफ़ी कम होती है। यह वैरायटी 2 सिंचाई में भी पककर तैयार हो जाती है। खाद और पानी का किसान भाइयों इस वैरायटी में कम से कम प्रयोग करना होता है, क्योंकि इस वैरायटी में अगर आप खाद और पानी ज़्यादा डालते हैं तो इस वैरायटी के पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से कई बार इसके गिरने की संभावना भी बन जाती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी का दाना मोटा, चमकदार व आकर्षक होता है और फायदेमंद तो किसान भाइयों होता ही है। दूसरी वैरायटी है किसान भाइयों Lok1। इस वैरायटी की बुआई भी किसान भाइयों हम सभी राज्यों में कर सकते हैं। बुआई के समय की बात करें तो किसान भाइयों वैसे तो ये अगेती पड़ जाती है, लेकिन जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी इसकी बुआई की जा सकती है। इसके पौधे किसान भाइयों मध्यम ऊंचाई के होते हैं। कल्लों का हटाव इस वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वैरायटी का तना मजबूत होता है तो इस वजह से फसल के गिरने की संभावना भी कम रहती है। यह वैरायटी किसान भाइयों कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को पकने में लगभग 110 से 120 दिन का समय लगता है। साथ ही किसान भाइयों इस वैरायटी में भी कम खाद और पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह वैरायटी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कम खाद और पानी से भी हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों इस वैरायटी में रोग कम लगते हैं। इस वैरायटी की बालियाँ लंबी होती हैं तो पैदावार भी हमें ज़्यादा मिलती है। जैसा कि पहले बताया किसान भाइयों, खाने के लिए तो यह वैरायटी अच्छी है ही। तीसरी वैरायटी जो किसान भाइयों है वह है WH1080। यह वैरायटी भी किसान भाइयों काफ़ी शानदार है। कम पानी में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है। यह एक बोनी किस्म की प्रजाति है जो लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास तक रह जाती है। कद छोटा होने की वजह से किसान भाइयों गिरने की संभावना भी कम रहती है। इस वैरायटी के दाने मोटे, चमकदार व आकर्षक होते हैं और बालियां लंबी होती हैं। इस वैरायटी के गेहूं में किसान भाइयों प्रोटीन और आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो खाने के लिए यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी हो सकती है। किसान भाइयों चौथी वैरायटी काफ़ी प्रसिद्ध है और वह है MP का सरबती गेहूँ। किसान भाइयों इस वैरायटी की देश में नहीं और विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है। इस वैरायटी का गेहूँ अन्य वैरायटी गेहूं से काफ़ी महंगा बिकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्लूटीन किसान भाइयों बहुत कम होता है, जिस वजह से ये हमेशा डिमांड में रहता है और काफ़ी महंगा बिक जाता है। इसका दाना किसान भाइयों बड़ा होता है और गोल्डन रंग की चमक लिए होता है। पाँचवीं जो वैरायटी है किसान भाइयों वह है बंसी। किसान भाइयों बंसी गेहूँ की खेती पंजाब में ज़्यादा होती है और वहाँ पर काफ़ी सारे किसान इसकी प्राकृतिक खेती भी करते हैं। यह एक बड़ी शानदार वैरायटी है किसान भाइयों। इस वैरायटी का दाना मोटा व चमकदार होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, आयरन ठीक ठाक होता है और ग्लूटीन कम से कम होता है, जिस वजह से यह सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इसकी भी बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों इन पाँचों वैरायटी को आप अपने खेत में छोटे एरिया में अपने खाने के लिए तो लगा ही सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों सेहत के लिए अच्छे होने की वजह से इस गेहूँ की बाज़ार में काफ़ी डिमांड होती है, और किसान भाइयों अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तब तो इसका गेहूं आप काफ़ी अच्छे दाम में बेच सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो व्यापारिक दृष्टि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं, नहीं तो किसान भाइयों अपने खाने के लिए तो छोटे एरिया में इसकी खेती कर ही लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।